मुजफ्फरनगर महिला जिला चिकित्सालय में मार्च महीने से महिला सफाई कर्मचारियों की सैलरी न आने पर महिलाओं ने महिला जिला चिकित्सालय प्रांगण में दिया धरना। जनपद मुजफ्फरनगर के महिला जिला चिकित्सालय में एएन कपूर कंपनी द्वारा कार्यरत महिलाओं की मार्च महीने से सैलरी न आने पर महिलाओं ने जिला चिकित्सालय में धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि हमारी सैलरी मार्च महीने से नहीं आ रही, इस कारण हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं ने मांग की है कि हमारी जल्द से जल्द सैलरी दिलाई जाए। ठेकेदार सत्येंद्र का कहना है कि अभी कंपनी द्वारा बजट नहीं दिया गया, जिस कारण अभी सैलरी नहीं दी जा रही है। वहीं इस प्रकरण में सीएमएस का कहना है कि वह इसमें कुछ नहीं कर सकते, अपने ठेकेदार से बात करें, महिलाओं ने जल्द से जल्द सैलरी दिलाए जाने की मांग की। सत्येंद्र कब से नहीं आ रही सर? मार्च के महीने से नहीं आ रही हमारी सैलरी। सीएमएस से बात की थी आप? की भैया। क्या कह रहे हैं? वे कह रहे हमारे हाथ में नहीं है, वे ठेकेदार हैं। हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए और हमें तनख्वाह मिलनी चाहिए टाइम पे। कितनी सैलरी है? 9,500 है ऊपर से भैया। अरे यहाँ पे 5 दे रहे भैया, यहाँ पे हमें 5,000 दे रहे। हाँ, उनमें भी कह रहे की कम करेंगे, 3,000 रुपए में दूसरे लगाएंगे। कौन ठेकेदार है? सत्येंद्र। क्या कह रहे सैलरी आने? कह रहे यहाँ से बजट नहीं भेज रहे हमारा। सैलरी ना मिलने की वजह से किस तरह की दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है? भैया दिक्कत हमें इतनी है कि बताओ, अगर हम उधार भी लेके खा रहे हैं तो उसको भी तो चाहिएगा। उधार वाले ने मांगने के हमारे से 5,000 रुपए हमारी सैलरी है। बीमारी भी है, उसमें सब चीज़ देखनी पड़े, घर का किराया भी है, बच्चे भी हैं, सब देखना पड़ता है उसमें।